तो जैसा कि हमने पहले मशीन को और दूसरे मशीन को देख लिया है कि वो किस तरह से वाष्पीकरण के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है, तो अब हम तीसरी तीसरी जो बहुत प्यारी मशीन है, जो आपको देखने में शायद कोई नई टेक्नोलॉजी लगेगी लेकिन ये बहुत ही पुरानी है, ठीक है। तो इसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिफायर, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाती है हवा में, ठीक है। क्योंकि ह्यूमिडिटी के हवा में बढ़ने की वजह से तो क्या होता है, हवा का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे 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 कम हो जाता है, हमारे रूम टेम्परेचर को कम हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल ह्यूमिडिटी से होता है, ठीक। हमारे पहले नियम को ये नाम से ही फॉलो करती है, ठीक, पहले सिद्धांत का इस्तेमाल। अब ये किस तरह से इसको करती है और ये किस तरह से बनी होती है, देखो ये एक गोल जैसे बॉटल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ये बॉटल जैसा होता है। इसमें क्या होता है, एक प्यारा सा टैंक लगा होता है, सभी टैंक प्यारे होते हैं, ठीक है। अब आपको ना लगते हो लेकिन हमें लगते हैं, ठीक। देखो इधर, तो यहाँ पर एक टैंक लगा होता है ऊपर, ताकि इसमें हम पानी भर सके। अब पानी भरने की वजह से देखो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर सेंसर लगा हो सकता है, या तो ऊपर सेंसर लगा होता है या नीचे का एरिया में सेंसर लगा होता है, दोनों में से एक एरिया में सेंसर लगा होगा, ताकि यहाँ पर जो डिस्प्ले हो उसमें हम देख सके कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना है या टेम्परेचर कितना है। दो प्रकार के सेंसर लगे हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी सेंसर, या तो सिर्फ ह्यूमिडिटी सेंसर लगा होगा, ठीक है, जो मॉइस्चर को बताता है, या तो टेम्परेचर सेंसर भी साथ में लगा होगा। टेम्परेचर सेंसर देखो अलग से इस तरह से दिखता है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी भी बारे, अरे बता देंगे, रुको, इतना का बताया, इतना नहीं बताएंगे, चलो। तो देखते हैं कि यहाँ पर जब हम टैंक में पानी भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लगभग आपको 100 ml से लेकर, 100 ml से भी छोटा भी होता है, ठीक है, कार में लगाने लायक भी होता है और रूम में रखने लायक भी होता है, 100 ml से लेके लगभग ये 2-3-4 लीटर तक के मिलते हैं, ठीक है, ये अपनी अपनी क्षमता के जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हो इन्हें, और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर वहां से परचेज भी कर सकते हो, या आप इनको देखना भी चाहो तो आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह से दिखते हैं और किस किस वैरायटी के आते हैं, ठीक। तो कैसे बने होते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम टैंक में यहाँ पर पानी भर देते हैं, याद रखो यहाँ पर किस प्रकार का पानी इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर वाटर। फिल्टर वाटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर नल का पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी को हीट करता है, यहाँ पर एक हीटर लगा होता है, हीटर जो हो सकता है 15 वाट का भी हो, 15 वाट से लेकर लगभग 260 वाट तक के, अब तक हमने देखे उससे अधिक भी आता होगा, तो इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब तक हमने सबसे छोटा देखा है तो वो 15 वाट का है, और सबसे बड़ा जिसमें 260 वाट का हीटर लगा हुआ था, ठीक। तो किसी भी क्षमता का हो सकता है, मान लो हमारा जो ये है ये 15 या 20 किसी भी वाट का है, यहाँ पर एक प्यारा सा हीटर लगा होता है। अब हीटर का काम क्या होता है आप जानते हो, है ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक वाली जो केतली आती है चाय गर्म करने वाली, वो देखी होगी कि जब, सॉरी, देखा होगा देखा होगा कि जब उसको प्लग खोज कर आप चालू करते हो तो उसके अंदर रखा हुआ पानी बॉयल हो जाता है, क्यों, उसके अंदर भी कुछ हीटर लगा होगा तभी ना, ठीक उसी के तरह इसके टैंक में भी एक हीटर लगा होता है। अब ये हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करता है, अब पानी को गर्म करने की वजह से वो वेपर में चेंज होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर को हीटर बढ़ाता है, तो पहला नियम टेम्परेचर को ये बढ़ाना, आपको समझ में आया, टेम्परेचर को हीटर बढ़ाता है तो पानी क्या है, वेपर में चेंज होता है। अब पानी वेपर में चेंज होगा, ठीक, यहाँ से तो हम पानी भरने के बाद इसको बंद कर देते हैं अच्छे से, ताकि यहाँ से वेपर ना निकले, यहाँ पर एक होल बने होते हैं जिससे वेपर आसानी से हमारे कमरे में फैल सकता है। अब दूसरी दिक्कत क्या आती है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जब जैसे ही वेपर बनने लगा तो वेपर धीरे 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 बढ़ने लगा, अब वेपर के बढ़ने की वजह से कुछ वेपर इधर भी गया, तो यहाँ पर वेपर यहाँ पर इकट्ठा होकर रुक गया। अब रुकने की वजह से जो पानी का वेपर बनने की जो स्पीड थी वो धीमी हो गई, पानी का वेपर में बदलने की जो स्पीड है वो धीमी हो गई, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर वेपर रुके हुए हैं, रुके होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब ऊपर से वेपर प्रेशर अधिक हो गया तो पानी तेजी के साथ वेपर में बदल नहीं पाएगा, तो यहाँ पर पानी को हटाना बहुत जरूरी है, सॉरी, पानी के वेपर को हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम यहाँ पर इस टैंक के अंदर तो पंखे को लगा नहीं सकते, फैन को, ठीक है, क्यों, क्योंकि फैन में भी अगर वेपर चला गया, क्यों, पानी पानी ही होता है ना, पानी अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज में चला गया तो वो खराब हो जाएगा, पंखा वो चलेगा ही नहीं, इसीलिए वो टैंक के नीचे बनी एक छोटी सी जगह में लगाया जाता है, ठीक। या तो टैंक के नीचे वो लगा होगा या टैंक के ऊपर, यहाँ पर इस तरह से देख लो,
ये एक इमेज है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भाप निकल रही है उसके ऊपर देखो लगा हुआ है पंखा, ताकि जब पंखा चलता है, पंखा क्या का काम क्या है, पंखा यहाँ पर हवा को, पहली बात एयर की स्पीड को बढ़ाता है, और दूसरी बात एयर की स्पीड को बढ़ने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर देखो, जब ये पंखा चलता है तो पंखा चलने के साथ साथ ये हवा को बहुत तेजी से, यहाँ पर जालियां लगी होती हैं जिससे यहाँ से हवा अंदर अंदर खींचता है और बहुत तेजी से वो ऊपर फेंकता है। अब हवा क्योंकि ये कॉर्नर से, जो टैंक है उसके कॉर्नर से किनारे से धीरे से बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अब क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर तेजी की तरफ गया, कहने का क्या मतलब है, जब ये हवा नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेजी से गई, जाने के साथ साथ ये क्या करती है, यहाँ के आसपास के जो हवा के एटम है, रुके हुए हवा है, उनको भी बहुत तेजी से वो ऊपर की ओर ढकेल देती है। अब ऊपर की ओर ढकेल देने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एरिया, अब लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हाई प्रेशर एरिया, तो क्या होता है, हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। यहाँ पर प्रेशर क्या था, ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से हवा क्या थी, प्रेशर अधिक हो गया था। अब प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पर हाई था, यहाँ पर लो, अब हवा की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना, तो बहुत तेजी के साथ जो भाप होगा, बहुत तेजी के साथ भाप बाहर की ओर हवा के साथ जाएगा। अब हवा के साथ क्योंकि वो जैसे ही भाप बाहर आया, जो वेपर है वो बाहर आया, वो हवा के साथ बहुत तेजी से पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत तेजी से वेपर को फैलाने के लिए फैन का इस्तेमाल किया गया, क्यों, क्योंकि हवा बहुत तेजी के फ्लो के साथ क्या, यहाँ लो प्रेशर एरिया बना देती है। आपने भूगोल पढ़ा होगा कि हमारा जो हिमालय पर्वत है ये उत्तर से आने वाली हवाओं को रोकता है, क्यों, कैसे रोकता है, असल में उत्तर दिशा में क्या है, नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल क्या है, पूरा बर्फ से ढका होता है, बर्फ से ढके होने की वजह से वहां पर क्या हुआ, हवा जो हो काफी डेंस होगी, मतलब हाई प्रेशर एरिया। और भारत में क्योंकि धूप होता है, जैसे जैसे हम क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास बढ़ते जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे होता क्या है, कहते हो ना, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाते हैं, इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या, वो वहां लो प्रेशर एरिया बना, और हवाएं किधर चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगी, क्यों, नीचे आएंगी ना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जब जाएंगी तो क्या होगी, हाई प्रेशर हवाएं ठंडी है ना। अब हिमालय पर्वत क्या करता है, उत्तर से आने वाली हवाओं को रोकता है, क्यों, क्योंकि अगर हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली हवाओं को ना रोके तो क्या होगा, हमारे भारत में भी सबकी कुल्फी जम जाएगी, समझ में आया। अब कहने का मतलब बस इतना था कि हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ये नियम हर जगह है, हर जगह हवाएं चलती हैं। गर्मियों में देखो आप धूप में जाओ तो देखते होगे बहुत तेज हवा चलती है, क्यों, क्योंकि सरफेस का, जमीन का तापमान गर्म होने की वजह से जो हवाएं जमीन से टकराती हैं वो गर्म हो जाती है, मतलब वहां लो प्रेशर एरिया बना, और आसपास में अगर ठंडी हवाएं हैं तो वो बहुत तेजी से आएंगी उधर, है ना, क्यों, हाई प्रेशर हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती, सॉरी लो प्रेशर हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगी क्योंकि हल्की होंगी, अब जो हाई प्रेशर हवाएं हैं वो भारी होती हैं, है ना, भारी होने की वजह से वो नीचे उसका स्थान ले लेंगी। या आप ठंडी में भी देखे होंगे, ठंडी में आप हीटर चालू कर दो, आहा कमरे का तापमान बहुत गर्म है, क्यों, कमरे का तापमान गर्म होने की वजह से लो प्रेशर बन गया। अब जैसे ही आप खिड़कियां दरवाजा खोलते बहुत तेजी से ठंडी हवाएं आती है अंदर, क्यों, क्योंकि बाहर की हवा कैसी है, हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर हवा लो प्रेशर की ओर भागेगी ही, ठीक वही देखो नेचुरल लॉ है, ठीक है, ये प्रकृति में भी हमारे आसपास भी इस्तेमाल होता है, ठीक वही नियम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब इससे क्या होता है, पंखा पंखे फैन लगाने की वजह से स्पीड ऑफ एयर बढ़ा, देखो इस नियम को फॉलो किया, अब स्पीड ऑफ एयर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ह्यूमिडिटी जो अंदर वेपर था, ठीक है, वेपर भी बहुत तेजी के साथ बाहर निकला, है ना। अब यहां पर देखो बिना सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया किसका बढ़ा, सरफेस एरिया यहां पर सरफेस एरिया किसका बढ़ा, वेपर का, वेपर का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पर देखो सरफेस एरिया यहां पर कम बढ़ रहा था, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वेपर का, क्योंकि सरफेस एरिया अगर ना बढ़ता तो वेपर बनना कम हो जाता, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहां पर हवा की स्पीड को तेज कर दिया गया,
हवा की स्पीड तेज करने की वजह से जो वेपर थे बहुत तेजी से बाहर आ गए, और बाहर आते ही उनका सरफेस एरिया फैल गया। याद रखो, तीनों में से सॉरी चारों में से तीन नियम को कोई चीज अपनाता है तो चौथा नियम अपने आप फॉलो हो जाएगा। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है ये भी ठीक उसी तरह काम करता है। यहाँ पर भी देखो, सेंसर मार्केट में दो प्रकार के आएंगे, सेंसर नहीं ह्यूमिडिफायर, एक जो पंखे को कंट्रोल करता है और दूसरा जो हीटर को कंट्रोल करता है। कहने का क्या मतलब है, अगर सेंसर में हम सेट कर देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 40 डिग्री ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, सॉरी 40 डिग्री कह रहे हैं, 40%, तो या तो सेंसर अगर हीटर से कनेक्ट है तो हीटर को बंद करेगा या चालू करेगा। पहले पहले वाले कूलर वाले में देखे थे ना, जैसे वो पंप को बंद कर रहा था या जो कूलर में मोटर लगा था या उसको बंद कर रहा था, ठीक उसी तरह या तो सेंसर हीटर को बंद करेगा या तो पंखे को बंद कर देगा। अब इससे क्या होगा, बिजली की खपत भी कम होती है और जितनी हमें जरूरत है किसकी, ह्यूमिडिटी की, उतनी ह्यूमिडिटी हमारे कमरे में पहुंच जाती है। इससे क्या होता है, ये ज्यादातर बच्चों के कमरे के लिए बेहतर होता है। और दूसरी बात, इसकी फायदे क्या है, आप कहते होगे अरे यार ये तो कूलर है, इसमें से उतनी हवा भी नहीं निकलेगी, इससे बढ़िया तो कूलर है कि नहीं। देखो इसके फायदे हैं, हवा में अगर नमी की मात्रा अधिक होती है, हवा में नमी की मात्रा अगर अधिक होती है, देखो यहाँ पर कमरे में हवा बहुत तेज नहीं चल रही है, क्यों, सिर्फ इसके द्वारा क्या किया गया है, पंखे द्वारा हवा यहाँ पर तेज इसीलिए छोड़ा गया है ताकि यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया भाप का वेपर का बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पर इसके फायदे हैं, ये कमरे के एयर को बहुत तेजी से फ्लो नहीं करवाता है, जिसके वजह से अगर किसी को कोई बीमार है, कोई खांस रहा है, ठीक है, तो कमरे में एयर एक तो नहीं है, तो जिसके वजह से वो जो खांसेगा तो उसके जो वायरस या बैक्टीरिया है मुंह से निकले हुए वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन, ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से, ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदे होंगी, जिसके वजह से हवा काफी डेंस हो जाती है। हाँ, हवा क्या होती है, डेंस हो जाती है, हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ज्यादा दूर तक खांसने या छींकने पर नहीं फैलते हैं। याद रखिए, कूलर में अगर आप खांस दोगे तो ऐसा क्या होगा, पता चला आप कूलर की तरफ खांसे, पूरा आपके ऊपर चला गया और पीछे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो बीमारी के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो भी ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हवा में सिर्फ ह्यूमिडिटी को अधिक किया गया है आपके कमरे के। और दूसरी चीज, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, बच्चों के लिए आरामदेह होगा, क्यों, आप एसी चलाते हो, एसी चलाते हो, एसी में बहुत तेज हवा तो फेंकता नहीं है लेकिन कमरे का टेम्परेचर को ठंडा कर देता है ना, क्यों, ठीक उसी तरह ये भी काम करता है, बस अंतर ये है ये एसी से कई कम खर्चीला है, कई कम खर्चीला है, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे कैलकुलेशन भी मिलेंगे, है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन भी आपको ट्रेलर में, आप कैलकुलेशन का वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार से आप इसको बना सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। बनाने के बारे में हमने बता दिया, ठीक, याद रखो ये पंखा यहाँ नहीं लगा होगा तो ऊपर की ओर लगा होगा, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर की ओर से हवा हटा देगा, ऊपर की ओर से हवा हटा देगा, है ना, मान लो पंखा यहाँ पर लगा हुआ है तो पंखा क्या करेगा, इधर से हवा खींचेगा, इधर से हटाएगा, इधर से हवा खींचेगा, इधर हटाएगा, इधर हटाएगा, तो इस टैंक के ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और टैंक के अंदर का जहां पर यह वेपर है यहाँ पर तो हाई प्रेशर एरिया है ही, तो जो वेपर है वो हाई से लो की तरफ भागेगा और अपने आप फैल जाएगा, है कि नहीं। देखो इस वाले जो ह्यूमिडिफायर में है पंखा ऊपर क्यों लगाया गया है, क्यों, कीमत कम करने के लिए, यहाँ पर जो पंखा लगाया जाएगा वो ज्यादा पावर का होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऊपर की ओर पंखा लगाते हैं तो वो कम कीमत का भी पंखा हो चल जाता है। ये सिर्फ इससे क्या होता है, डिजाइन में बदलाव करने की वजह से कीमत सिर्फ कम और ज्यादा होती है। आप चाहो तो ह्यूमिडिफायर नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगला अगला जाते जाते एक और चीज, मान लो इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आपको कपड़े सुखाने की मशीन बनानी है। अरे भाई गर्मियों में मान लो धूप से कपड़े सुखा लेते हो, बहुत तेजी से बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन ठंडी में क्या करोगे, कैसे, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके। मान लो आप एक कार्टून बॉक्स ले लिए, कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, अब बॉक्स में आपको करना क्या है, बॉक्स में क्योंकि हम एक रोलिंग लगा दी है,
एक पाइप लगा दी जिस पर हम हैंगर में कपड़े टांग दिए हैं। अब कपड़े हैंगर में क्यों टांगे, वैसे भी तो रख सकते हैं। देखो हैंगर में कपड़े टांगने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, टिंग टिंग टिंग, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अगर इस डिब्बे में अब पंखा लगा देते हो, ठीक, पंखा लगा दोगे जो हवा को, ठीक है, अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर फेंके, बाहर से खींचे और अंदर की ओर फेंके, तो ऐसे में हवा की स्पीड जैसे तेज होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया से हवा टकराएगा, है ना, इस नियम को भी फॉलो करेगा। अब जैसे ही ज्यादा सरफेस एरिया से वो टकराएगा तो क्या होगा, कपड़े में जितना पानी होगा वो बहुत तेजी से क्या होगा, वेपर में चेंज होगा, है ना, वेपर में चेंज होगा। और दूसरी तरफ से एक पंखा लगा दो, लगा सकते हो या होल छोड़ दो, ठीक है। अब यहां से क्योंकि कहीं निकलने की हवा को जगह नहीं है तो टकराते हुए क्या होगा, यहां से निकलेगा हवा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, हवा का फ्लो जितना तेज होगा उतना तेजी से कपड़ा सूख जाएगा। पहला नियम पालन किया, दूसरा नियम पालन किया, है ना, फॉलो हो गया। अब तीसरा नियम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अब देखो हवा बहुत तेजी से जब इतने बड़े सरफेस एरिया से कपड़े से टकराती है तो कपड़े में जो पानी के वेपर होंगे वो हवा में आ जाएंगे, है ना, हवा में आ जाएंगे। याद रखो यहां पर एक चीज और आप कर सकते हो, यहां पर ज्यादा नमी वाले जगह पर इन कपड़ों को मत रखना। कहने का क्या मतलब है, अगर हवा में बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा नमी है पहले से ही, मान लो बाहर की हवा में बहुत ज्यादा नमी है, तो इस पंखे को चालू करने से पहले क्या करो, बंद कर दो, यहां से बंद कर दो। कहने का क्या मतलब है, यहां पर अगर नमी भरी हवा अंदर जाएगी, गर्मियों के समय में मान लो यहां से पंखा खुला है, बाहर से हवा खींच रहा है क्योंकि बाहर की हवा गर्म है, तो ये अंदर खींचेगा पंखा, कपड़े से टकराते हुए हवा बाहर चला गया और बहुत सारी ह्यूमिडिटी भी बाहर चली गई, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बाहर चली गई। लेकिन ठंडियों में क्या होगा, अगर इसको बंद कर देते हो, ये पंखा सिर्फ चलता रहेगा अंदर ही, तो ये क्या करेगा, अंदर डिब्बे के अंदर की हवा को ही घुमाता रहेगा, डिब्बे के अंदर की हवा को ही घुमाता रहेगा। अब घुमाते घुमाते कुछ हवा बाहर निकल जाएंगे जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, ठीक है, और ये पंखा हवा को घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा, जिससे क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा, सिंपल। या एक तरीका और कर सकते हो, टेम्परेचर फॉलो, टेम्परेचर, हेयर ड्रायर देखे हो बाल सुखाने वाला, है ना, उसके अंदर कुछ एलिमेंट, कुछ हीटर लगे होते हैं, हीटर वाले एलिमेंट। आप चाहो तो एक छोटा सा डिब्बा ऐसे पाइप द्वारा बनाकर यहाँ पर छोटे से एलिमेंट लगा सकते हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा पावर के नहीं, मान लो 20 या 25 वाट के, है ना, 20 या 25 वाट के, जो आपके लिए सुरक्षित हो, ठीक है, आपके लिए सुरक्षित हो 20 या 25 वाट के, ताकि जब हवा अंदर जाकर इन हीटर से टकराकर पंखे में जाए तो हवा गर्म हो जाए, है ना। अब गर्म हवा जब अंदर जाएगी तो कपड़े को बहुत जल्दी तेजी से सुखाएगी। देखो चारों नियम फॉलो हो गए, अब थोड़ा हाईटेक बना लो। हाईटेक बनाने में क्या कर सकते हो, मान लो हम चाहते हैं सब ऑटोमेटिक हो जाए, इसमें हमको बार बार देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी हम एक सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंसर में हम जानते हैं दो वायर होगा जिसमें हम पावर सप्लाई देंगे इनपुट, और दूसरा होगा हमें आउटपुट के तौर पर मिलने वाला। अब ये दोनों क्या होंगे, ये सेम फेस के होंगे, कहने का मतलब ये वाला प्लस है तो ये वाला भी प्लस ही होगा। मान लो हम हीटर, ठीक है, हीटर में दो वायर हैं, हीटर में दो वायर हैं यहाँ पर भी, तो एक वायर को हम उठाकर यहाँ पर मिला देंगे, तो एक वायर इसका खाली मिला हमको और एक वायर इसका। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम एसी पावर सप्लाई से मान लो इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एसी पावर सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सेंसर है, ये सेंसर किस तरह का होना चाहिए, याद रखो यहाँ पर आप टेम्परेचर सेंसर लगाओ, टेम्परेचर सेंसर जो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 बटन होंगे, एक होगा सेट बटन, दूसरा होगा रीसेट बटन, और तीसरा होगा जो नंबर वैल्यू को आगे पीछे करने के काम आता है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको सेट बटन पे, जैसे मान लो आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिए, 40 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिए, तो ये एलिमेंट गर्म होगा और ये हवा। अब यहाँ पर एक पतला सा सेंसर के लिए एक सेंसर का एक पिन निकला होगा, इस पिन को आपको लगाना कहाँ है, इस पिन को यहाँ पर लगा देना है, इस सेंसर के पिन को यहाँ पर लगा देना है, ताकि जब ये सेंसर इस हीटर को ऑन कर दे, इस हीटर के एलिमेंट को ऑन कर दे, तब क्या होगा, ये पंखा भी ऑन होगा, है ना, ये पंखा भी
ये पंखा तो मान लो चलता रहे, ये डायरेक्ट ऑन रहे, इसको डायरेक्ट सप्लाई आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हीटर को क्या करो आप टेम्परेचर सेंसर से दे दो। अब क्योंकि ये जो पंखा है ये पंखा चलता रहेगा तो ये हवा को क्या होगा हीटर से टकरा कर अंदर की ओर फेंकता रहेगा, हीटर से टकरा कर अंदर की ओर फेंकता रहेगा। लेकिन जब अंदर की हवा का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये जो सेंसर का ये जो पिन है ये पिन तुरंत मेजर कर लेगा कि हाँ अब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ऐसे में ये सेंसर क्या करेगा इस हीटर को बंद कर देगा, कब तक के लिए, जब तक 40 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर बना हुआ है। अब ऐसे में जहां इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से कम हुआ तुरंत ये हीटर दोबारा चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा ये देखो थोड़ा एडवांस बन गया, आपका जो कपड़े सुखाने का मशीन था ये थोड़ा एडवांस बन गया। क्या छोटी छोटी साइंस, ये बढ़ाने का मतलब क्या है, छोटे छोटे सिद्धांत, आप इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसे कर सकते हो। बहुत छोटी सी वायरिंग है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्लास 9 के चैप्टर में याद रखो, क्लास 9 का बच्चा इसको कर सकता है। क्यों, ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 के पहले चैप्टर से तो लिया गया है, आप वो चैप्टर को इतना बड़ा करके पढ़ाने का क्या मतलब है, ताकि आप उनको समझो, आप अगर कुछ बनाना चाहो तो कर सको, है ना। ये सेंसर मार्केट में अवेलेबल है, किताब पढ़ के उसमें सिर फोड़ने का क्या मतलब है जब आपको वो समझ में ना आए, है कि नहीं। आपके अंदर क्रिएटिविटी तब कब आएगी जब आप देखोगे समझोगे कि हाँ यहाँ पर ये थ्योरी लगी है, ये सिद्धांत का इस्तेमाल हुआ, ये प्रिंसिपल लगा है, तभी ना आप उसका इस्तेमाल करके बना पाओगे, है ना। इसीलिए ये आपको ये जो वीडियो था आपके लिए थोड़ा बड़ा बन गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए, और हाँ तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।